हेलो स्टूडेंट, ये हमारे इंटीजर चैप्टर का लेक्चर सेकंड है जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1A सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेस इन मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी के महीने में अलग अलग प्लेस में अलग अलग टेम्परेचर को नंबर लाइन पर दर्शाया गया है। यहां पर आप देखिए कि हमारे पास नंबर लाइन है जिसमें अलग अलग प्लेस हैं और उन सबका टेम्परेचर दिया गया है इस नंबर लाइन पर। तो हम लोग ये पढ़े हैं कि नंबर लाइन पर जीरो जीरो के आरएचएस के तरफ, यानी अगर हम लोग इस तरफ जाएं तो जितने भी नंबर होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, और जीरो के एलएचएस के तरफ जाएं तो जितने भी नंबर होंगे वो नेगेटिव इंटीजर होंगे। इसका मतलब यह है कि जो मेरठ है वो जीरो के आरएचएस के तरफ है, इसका मतलब ये जो 4 है वो +4 डिग्री सेल्सियस है और जयपुर +11 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह अगर हम जम्मू और श्रीनगर की बात करें तो जम्मू है -8 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर -12 डिग्री सेल्सियस। यानी इस नंबर लाइन के आधार पर हम लोग ये बता दिए कि कौन सा प्लेस कितने डिग्री सेल्सियस का है। हम लोग इसके आधार पर यह भी समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा माइनस डिग्री सेल्सियस होगा वो इलाका उतना ही ज्यादा ठंडा होगा, और जितना ज्यादा प्लस डिग्री सेल्सियस होगा वो इलाका उतना ही ज्यादा गर्म इलाका होगा। चलिए इस चैप्टर के एक्सरसाइज के और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में और आगे है कि ऑब्जर्व द नंबर लाइन, नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और दिए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है, आंसर बताना है। तो विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव प्लेसेस, मतलब पीछे दिए गए जितने भी प्लेसेस हैं इन सब में सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है। तो मैंने अभी बताया था कि जितना ज्यादा माइनस डिग्री सेल्सियस होगा वो सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट प्लेस होगा, यानी श्रीनगर हमारा कोल्डेस्ट प्लेस होगा। तो इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे श्रीनगर, ब्रैकेट में लिख देंगे -12 डिग्री सेल्सियस इज द कोल्डेस्ट प्लेस। चलिए अब हम लोग सेकंड देखते हैं। तो सेकंड बिट में क्या है कि विच इज द हॉटेस्ट प्लेस, आप आराम से बता सकोगे कि हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है। बिल्कुल, जयपुर जो है वो हमारा हॉटेस्ट प्लेस है क्योंकि ये +11 डिग्री सेल्सियस है। वैसे मेरठ भी +4 डिग्री सेल्सियस था लेकिन 4 से ज्यादा 11 है, इसलिए जयपुर हमारा सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लेस होगा। तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे कि जयपुर, ब्रैकेट में लिख दोगे 11 डिग्री सेल्सियस इज द हॉटेस्ट प्लेस। चलिए अब हम लोग थर्ड बिट की बात करते हैं। तो थर्ड में क्या है? थर्ड में है कि हाउ मच डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ जम्मू एंड जयपुर। जम्मू और जयपुर के बीच का कितना डिग्री सेल्सियस है हमें यह फाइंड आउट करना है, हमें यह पता लगाना है। तो ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस तरीके से। द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ जम्मू एंड जयपुर इक्वल टू, पहले हम लोग क्या करेंगे कि जयपुर का टेम्परेचर लिखेंगे। तो जयपुर का टेम्परेचर हम लोग देखे हैं कि जयपुर का टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस था, तो लिखेंगे 11 डिग्री सेल्सियस। और फिर देखेंगे कि जम्मू का टेम्परेचर कितना था, तो जम्मू का जो टेम्परेचर था वो -8 डिग्री सेल्सियस था, ये रहा -8 डिग्री सेल्सियस। और इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, इसलिए यहां पर एक और माइनस आएगा। और रूल के आधार पर माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस होता है प्लस, यानी हम लोग माइनस और माइनस को करेंगे प्लस। तो ये 11 +8 हो जाएगा 19, यानी 19 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब यह है कि जम्मू और जयपुर इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर है वो 19 डिग्री सेल्सियस है। और लास्ट बीट को सॉल्व करते हैं। तो लास्ट बीट में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ मेरठ। मेरठ का
टेम्परेचर क्या है? तो अभी हम लोग देखे थे कि मेरिट का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है, तो इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे द टेम्परेचर ऑफ मेरिट इज 4 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व होगा।